उसकी टाइप्स, उसका इफेक्ट आपका कार्डिक आउटपुट पे क्या होता है, ये हमने डिस्कस किया था। इसके साथ ही आरबीसी वाला आपका जो गाइटन से भी चैप्टर खत्म हो गया, जो मैंने एक्स्ट्रा दिया आपको कहीं के आपने हैंडआउट से करनी है वो भी आपको हमने दे दी। उम्मीद तो यही करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी, नहीं समझ आई तो आप दोबारा भी पूछ सकते हो, ठीक है। अब क्योंकि जो टेस्ट होने जा रहा है आपका, अभी तो एनाटॉमी का, इससे अगले वीक में जो हमारा टेस्ट है वो काफी लेंथी टेस्ट है, उसमें आरबीसी कंप्लीट है, नर्व फिजियोलॉजी कंप्लीट है, ठीक है, जो फहीम साहब पोर्शन नर्व का पढ़ा रहे हैं वो, और जो आज और मैम आगे पढ़ाऊंगा एक दो दिन के अंदर, वो नर्व का पोर्शन मैं भी पढ़ाऊंगा, कुछ फहीम साहब पढ़ाएंगे, हम नर्व फिजियोलॉजी कंप्लीट टेस्ट के अंदर देंगे, आरबीसी कंप्लीट टेस्ट होगा, WBCs और ल्यूकोसाइट नेक्स्ट वीक में मैं शुरू करूंगा, तो उसमें भी हम अप टू इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी, इम्यूनिटी की टाइप शुरू करेंगे और पहली टाइप तक होगा इनेट इम्यूनिटी तक, उस अंदर आप ल्यूकोपोसिस करोगे, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, बेसोफिल के फंक्शंस, रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम और इम्यूनिटी के में से हम सिर्फ इम्यूनिटी स्टार्ट करेंगे, बाकी आपका नहीं होगा। यानी कि जो आपका टेस्ट का टॉपिक है वो आरबीसी कंप्लीट, यानी कि ब्लड और आरबीसी जितना आपने पढ़ा हुआ है वहां तक कंप्लीट, और नर्व फिजियोलॉजी कंप्लीट, और WBCs अप टू इम्यूनिटी, ठीक है। इम्यूनिटी की जस्ट आप टाइप्स थोड़ा बहुत जितना भी हम शुरू में पढ़ सकेंगे वो, तो ये काफी लेंथी टेस्ट है, प्लीज इसको साथ साथ करो। आज मैं शाम तक असाइनमेंट भी अपलोड कर दूंगा, उसके लिए आपको टाइम मिलेगा परसों रात तक, यानी कि थर्सडे की रात तक आपके पास क्लोजिंग टाइम होगा, उस तक आपने वो सबमिट करवानी है। 8 से 9 क्वेश्चन होंगे आरबीसी से रिलेटेड, प्लीज कोशिश करना कि उसको आप जो है ये पहले उसको याद कर लो फिर लिख लो, वैसे कॉपी पेस्ट करने का कोई फायदा है, हाथ से लिख के आपने स्कैन करके उसको करना है तो देख के लिखने का भी कोई फायदा नहीं है। जितना आपको आता है एक दफा उसको पढ़ लो, पढ़ के उसको खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, कुछ नहीं होगा। अगर असाइनमेंट में बुरे मार्क्स भी आ जाएंगे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन प्लीज कोशिश करो कि आप टेस्ट की तरह उसको अटेम्प्ट करो, उन्हीं क्वेश्चंस को बेशक पहले याद कर लेना और फिर लिख लेना, जितना रिटेन कर सको उसको उसके हिसाब से लिख लेना, ठीक है जी। तो कल आपको असाइनमेंट नहीं दी थी, आप में सभी बच्चों ने कहा जी हमारा टेस्ट हुआ है इसलिए आज का दिन रिलैक्स करें, मैं आज का भी दिन आप रिलैक्स कर लो, ठीक है। आज शाम को हम अपलोड करेंगे और थर्सडे की शाम तक आप हमें सबमिट कराओगे, चाहे कल उसको याद कर लेना और परसों उसको लिख लेना उन्हीं क्वेश्चंस को। किसी ने कोई प्रॉब्लम है तो बता दो अभी असाइनमेंट ना लेने में, या आप कहते हो कि अभी भी ना दी जाए तो बताओ। जो टेस्ट का सिलेबस इतना ज्यादा है, ये हमारे साथ ज्यादती नहीं है बेटा, बहुत ज्यादती है, और ये ज्यादतियां आगे होती चली जाएंगी, वो इसलिए कि आगे बेटा आपका MBBS का सिलेबस तो बहुत लेंथी है ना, तो ये तो अभी मतलब है, अब सेल्फ फिजियोलॉजी था वो आपको उस टाइम हैवी लग रहा था, अब ये जो है ये दो चैप्टर, एक आरबीसी और एक नर्व फिजियोलॉजी, ठीक है, ये कंप्लीट है, और WBCs में जितना पढ़ाऊंगा, जितना पढ़ाने का मकसद मैंने वो भी बता दिया, जस्ट WBCs की क्लासिफिकेशन बताऊंगा, ल्यूकोपोसिस की फॉर्मेशन बताऊंगा, और उन तीनों के फंक्शन बताऊंगा, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, बेसोफिल के, ठीक है, ये यहां तक आएगा, वो नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह कर लेंगे। तो देखो टेस्ट अब हमारे तीन होने हैं, एक आपका हो गया, दूसरा अब होने जा रहा है, ठीक है, तीसरा जो टेस्ट है वो आपका होगा जिसमें वो और होगा, उसमें फिजियोलॉजी कंप्लीट होगा, साथ आपका इम्यूनिटी, प्लेटलेट्स, ठीक है, और ब्लड ग्रुप्स, तो वो इससे भी थोड़ा सा लेंथी होगा। अगर मैं ये लेंथी नहीं करेंगे तो वो टेस्ट बहुत लंबा हो जाएगा, उसमें अगर WBCs वाला पोर्शन भी डाल देंगे, इम्यूनिटी भी होगा, प्लेटलेट्स, हीमोस्टेसिस वाला भी होगा, ब्लड ग्रुप भी होगा, और स्मूथ स्केलेटल मसल भी होगा, तो वो आपके लिए ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हमने ये कहा कि ये कोशिश हम करते हैं कि आपकी नर्व फिजियोलॉजी कंप्लीट हो जाए। और नर्व फिजियोलॉजी इतनी मुश्किल नहीं है, डॉक्टर फहीम साहब ने आपको कल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, आज उन्होंने एक्शन पोटेंशियल पढ़ाया होगा, ये मजीद अगर कोई चीज रह गई है तो वो कल आधे घंटे में आपका कवर करा देंगे। मैंने आपको नर्व की प्रॉपर्टीज बतानी है, नर्व फाइबर की क्लासिफिकेशन, न्यूरॉन्स क्या होते हैं, वो किस तरह से क्लासिफाई होते हैं, ठीक है, और नर्व की डीजनरेशन रीजनरेशन कैसे होती है, अगर नर्व डैमेज हो जाए तो उसकी रीजनरेशन कैसे होती है, और नर्व इंजरी को वैलेरियन डीजनरेशन कहते हैं, वो कैसे होती है, ये पोर्शन पढ़ाऊंगा। तो कोशिश करो कि आरबीसी परसों तक याद करके उसकी असाइनमेंट तैयार कर लो, तो मेरा ख्याल है आपको आरबीसी दोबारा सिर्फ घंटा डेढ़ लगेगा टेस्ट वाले दिन,
नर्व फिजियोलॉजी में अभी आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपका एनाटॉमी का आ रहा है टेस्ट, जुमे रात बाद तो आपने एनाटॉमी पढ़नी है जुमा हफ्ता इतवार, ठीक है। पीर वाले दिन जब आपका टेस्ट हो जाए तो प्लीज नर्व फिजियोलॉजी की असाइनमेंट आपकी अपलोड करेंगे, 3-4 क्वेश्चन होंगे वो आपने करवानी है, ठीक है। फिर आपका पीछे रह जाएगा सिर्फ डब्ल्यूसी वाला पोर्शन, अभी भी वक्त है बेटा, साथ साथ अगर ये फिजियोलॉजी वाली चीजें करोगे तो मेहरबानी आपकी, हम आपको टाइम भी दे रहे हैं। देखो आपका बायो का टेस्ट था, मैंने कल बिल्कुल आपकी बात मानी, मैंने आपको कल असाइनमेंट नहीं दी, आपने कहा जी हमने रेस्ट करना, मैंने कहा कोई बात नहीं, डॉक्टर फहीम ने कहा नहीं असाइनमेंट दो, मैंने कहा नहीं इनको रेस्ट करने दो, कल असाइनमेंट देंगे, वेनसडे को इनका पूरा टाइम होगा, ये उसको अच्छी तरह याद करें उन क्वेश्चंस को, और थर्सडे को ये वो लिख के सबमिट करा दें, फिर अपना एनाटॉमी तैयार करना शुरू करो, और उसके बाद जब एनाटॉमी का टेस्ट हो जाए और अगला टेस्ट आपका फिजियोलॉजी है तो प्लीज वर्किंग डे में आप नर्व फिजियोलॉजी कंप्लीट कर लो और वीकेंड पे आप डब्ल्यूबीसी कर लो तो आपका हो जाए। अगर आप प्रॉपर अपना स्केड्यूल बनाओगे बेटा, अब देखो एमबीबीएस इस तरह नहीं है कि आप 1-2 घंटे पढ़ोगे टेस्ट से पहले तो आप ठीक हो टेस्ट दे सकोगे, आपको मैं पहले दिन से कह रहा हूँ प्लीज साथ साथ पढ़ो, मुश्किल नहीं लगेगा, और अभी भी कह रहा हूँ अभी भी वक्त है बेटा, टाइम गुजर जाएगा, आपकी चीजें रह जाएंगी, आप क्लास से पीछे रह जाओगे, फिर आपको मिलना क्लास के साथ बड़ा मुश्किल हो जाएगा और मेहनत आपको डबल ट्रिपल करनी पड़ेगी। अब अभी आप अगर थोड़ा थोड़ा साथ साथ पढ़ते रहो तो बेहतर रहोगे। बेटा अभी तो आपके 3 टेस्ट हमारे हैं, 2 मेरे ख्याल बायो में किए हैं और 3 के 4 एनाटॉमी की हैं, ठीक है। एनाटॉमी फिजियो भी एक हो गया, बायोकेम का भी एक हो गया, एनाटॉमी का भी हो गया, एनाटॉमी का दूसरा टेस्ट होने का है आपका, फिर उसके बाद फिजियोलॉजी का टेस्ट होगा, फिर बायोकेमिस्ट्री, फिर फिजियोलॉजी होगा, मेरे ख्याल हमारे 3 टेस्ट है इस ब्लॉक के अंदर, बायोकेमिस्ट्री के 2 टेस्ट हैं और एनाटॉमी के 4 टेस्ट हैं। तो जब ये ब्लॉक एंड हो जाएगा फिर उसको कहते हैं टर्म टेस्ट, वो इंशाल्लाह उम्मीद तो काफी है कि इंशाल्लाह आपका कॉलेज के अंदर ही होगा, लाइव होगा, ताकि हम उम्मीद करते हैं कि ईद के बाद होना है और वो भी इंशाल्लाह कॉलेज में, तीसरा जो मेजर टेस्ट आपका है, ठीक है, वो भी आपका कॉलेज में ही होगा इंशाल्लाह अगर हालात बेहतर हो गए तो। तो ये जरा देखो सर, अपने आरबीसी करने वो कैंसिल नहीं कर सकते, आप क्या कह रहे हो मैं कह रहा हूँ तैयार हूँ, लेकिन इसमें पता है क्या बेटा इफेक्ट आएगा, इफेक्ट ये होगा जो आपका तीसरा टेस्ट है वो इतना लंबा हो जाएगा, ऑलमोस्ट टर्म जितना हो जाएगा, वो आपको फिर प्रॉब्लम देगा, उसमें देखो डब्ल्यूबीसी, इम्यूनिटी, प्लेटलेट्स और हीमोस्टेसिस, ब्लड ग्रुप्स, मसल पूरा आएगा, स्केल्टन और स्मूथ मसल, वो बहुत लंबा टेस्ट हो जाएगा, इसलिए डब्ल्यूसीज यहीं पे वाइंड अप करने दो, अगला टेस्ट आके आपका शुरू हो इम्यूनिटी का क्वेश्चन और प्लेटलेट्स, ब्लड ग्रुप और मसल। चलो अभी तो फिलहाल पढ़ो ना, अगर आप कहोगे तो डब्ल्यूबीसीज हम कर लेंगे, लेकिन डब्ल्यूबीसीज आपको इतना आसान लगेगा इंशाल्लाह, उसमें कुछ मुश्किल नहीं है, क्लासिफिकेशन है उसकी, फॉर्मेशन है, न्यूट्रोफिल वगैरह के फंक्शन आप पहले पढ़े हुए होंगे, फेगोसाइटोसिस, ठीक है, वो चीजें आप आती हैं, मैं उसको सिर्फ एक दफा देखूंगा, और अगर आप में से कई बच्चों ने कहा कि रहने दें तो हम रहने देंगे, कोई मसला नहीं है। थैंक यू सर। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल आपका हमारा सिलेबस यही है कि आरबीसी कंप्लीट हो चुकी है, नर्व फिजियोलॉजी इंशाल्लाह कल कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, आप सर ने भी पढ़ा दिया आपको अपना पोर्शन, शायद उनका कोई थोड़ा सा अगर रह गया मैं भी पूछ लेता हूँ, जो मेरा पोर्शन है मैं आज कुछ थोड़ा सा ही आपको पढ़ाऊंगा, इंट्रोडक्शन वगैरह दूंगा, मजीद कल आपको उसको खत्म कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आप ने नव में क्या पढ़ा बच्चे, कौन बताएगा अभी, सर फहीम ने क्या पढ़ाया? सर सिंपल्स, एक्शन पोटेंशियल एंड रेस्टिंग मेमोरी टेंशन। एक्शन पोटेंशियल और रेस्टिंग, एक्शन पोटेंशियल फेजेस वगैरह सारा आज कंप्लीट, प्रॉपर्टीज भी कर दी है सर? यस सर। चलें जबरदस्त, आप स्लाइड नजर आ रही है मेरी? यस सर। अच्छा जी, जो मैंने बच्चे आपको पोर्शन पढ़ाना है, एक मिनट जरा मुझे इसको ना रिकॉर्ड पे लगा लेने दो,
अच्छा तो जो नर्व का पोर्शन मैंने पढ़ाना है, फहीम साहब ने आप बता रहे हो रेस्टिंग ब्रेन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल उसकी प्रॉपर्टीज बता दी, एक्शन पोटेंशियल नर्व में कैसे जनरेट होता है, ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है वो सारा उन्होंने बता दिया। मैं जो नर्व का पोर्शन आपको पढ़ाना है वो बेसिकली है न्यूरॉन से रिलेटेड, कि न्यूरॉन क्या होता है, ठीक है उसकी उसका स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है, उसकी क्लासिफिकेशन क्या है, और फिर नर्व फाइबर क्या है, नर्व फाइबर की क्लासिफिकेशन आप किस तरह से करते हो, नर्व फाइबर की प्रॉपर्टीज कैसे आपने करनी है, ठीक है, और नर्व डीजनरेशन रीजनरेशन और एक्सोनल ट्रांसपोर्ट ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये आपको बेटा अगर आप बुक से पढ़ना चाहते हो तो CNS के अंदर सेंसरी नर्वस सिस्टम जो स्टार्ट होगा उसका पहला और दूसरा चैप्टर ऑलमोस्ट ये है, ठीक है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि वो आप सेकंड ईयर में ही पढ़ना, क्योंकि CNS आपका ज्यादा सेकंड ईयर में ही है, यहाँ सिर्फ हम नर्व रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे जो मेरे हैंडआउट्स में काफी हैं। स्लाइड अब आपको नजर आ रही है बेटा? यस सर। चलें। एट द एंड ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमारे क्या है इस चैप्टर के, एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर स्टूडेंट शुड बी एबल टू, एक तो ड्रॉ स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व, बेसिकली जो कर्व है ये नर्व की एक प्रॉपर्टी है एक्साइटेबिलिटी, उसके यूनिट्स होते हैं रियो बेस कोरोनेक्सी यूटिलाइजेशन टाइम, ये मैं बताऊंगा आपको कि नर्व जब एक्साइट होती है उसको कुछ जो वोल्टेज चाहिए होती है उसको रियो बेस कहते हैं, कितने टाइम में नर्व एक्साइट होती है उस टाइम को यूटिलाइजेशन टाइम कहते हैं, ठीक है जी, और क्रोनेक्सी जितने टाइम में वो डबल हो जाती है, क्रोनेक्सी इज ऑल्सो टाइम पीरियड, तो ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, ये बेसिकली यूनिट्स ऑफ एक्साइटेबिलिटी हैं, इन्हीं को आप ड्रॉ जब करते हो टाइम और वोल्टेज, वोल्टेज आप वाई एक्सिस पे रखते हो टाइम आप एक्स एक्सिस पे रखते हो, तो उसको स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व कहते हैं, ये वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व फाइबर है जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे। एन्यूमरेट प्रॉपर्टीज ऑफ फाइबर, नर्व फाइबर की एक प्रॉपर्टी तो यही है एक्साइटेबिलिटी, दूसरी प्रॉपर्टी आर नन लॉ, आल और नन लॉ ये होता है कि अगर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, कब जनरेट होगा, जब उसको आप स्टिमुलस थ्रेशोल्ड दोगे, व्हाट इज थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, वो स्टिमुलस जो चाहिए होती है एक नर्व फाइबर को एक्साइट होने के लिए, उसको आप थ्रेशोल्ड कहते हो, सब थ्रेशोल्ड कहते हो वो जो कम स्टिमुलस होती है जिसपे नर्व फाइबर ने एक्साइट नहीं होना होता उसको सब थ्रेशोल्ड कहते हैं, और सुपरा थ्रेशोल्ड कहते हो यानी कि थ्रेशोल्ड से भी स्टिमुलस अगर आप दे रहे हो उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, वो भी ये है कि नर्व एक्साइट हो जाती है, तो जब उसको थ्रेशोल्ड स्टिमुलस देती हो तो एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल करता है, या फिर अगर सब थ्रेशोल्ड होती है तो वो ट्रेवल नहीं करता, तो वो कहते हैं ऑल और नन ला, ये भी वन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ नर्व फाइबर है। तीसरी प्रॉपर्टी रिफ्रैक्टरी पीरियड, रिफ्रैक्टरी पीरियड आपको सर ने पढ़ाया होगा क्या होता है रिफ्रैक्टरी पीरियड, वेरी गुड, अगर एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है तो दोबारा नहीं हो सकता उसको रिफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं, लेकिन ये दो टाइप्स का होता है एब्सोल्यूट और रिलेटिव, एब्सोल्यूट ये होता है कि जब आप थ्रेशोल्ड स्टिमुलस देते हो या सुपरा थ्रेशोल्ड देते हो तो भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो सकता, लेकिन रिलेटिव ये होता है कि जब आप सुपरा थ्रेशोल्ड या थ्रेशोल्ड देते हो तो वो जनरेट हो भी सकता है। अब आपने पढ़ा है जब आपने एक्शन पोटेंशियल तो उसकी आपने पढ़ी डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड, और रीपोलराइजेशन की जो एंड वाली स्टेज होती है उसको आप कहते हो ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड है, इसके अंदर दोबारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो सकता है, ये भी मैं आपको एक ग्राफ दिखाऊंगा और इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करो उस ग्राफ के मुताबिक। फिर है जी ये तीन प्रॉपर्टीज हो गई एक्साइटेबिलिटी, ऑल और नन ला और रिफ्रैक्टिव पीरियड, तीसरी प्रॉपर्टी है कंडक्टिविटी, चौथी प्रॉपर्टी है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी मतलब नर्व फाइबर अब दो तरह के होते हैं, एक नर्व फाइबर वो होते हैं जो माइलिनेटेड हैं जिनके ऊपर माइलिन शीत होती है, ठीक है, माइलिन शीत आपकी CNS के अंदर ओलिगोडेंड्रोसाइट्स बनाते हैं और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आपके श्वान सेल्स बनाते हैं, तो जिनके अराउंड ये माइलिन शीत होती है उसको माइलिनेटेड नर्व फाइबर कहते हैं और जिनके अराउंड माइलिन शीत नहीं होती उनको अनमाइलिनेटेड कहते हैं। कंडक्शन भी इसी तरह होती है, जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर है उनके अंदर साल्टेटरी कंडक्शन होती है जंपिंग मैनर्स में, ठीक है, फ्रॉम वन नोड ऑफ रनर वायर टू नेक्स्ट, ठीक है, और अनमाइलिनेटेड में कॉन्टिन्यूस कंडक्शन होती है, ये भी हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है, ये इसकी चौथी प्रॉपर्टी है आपकी नर्व फाइबर की। फिर आ जाता है क्लासिफाई नर्व फाइबर, नर्व फाइबर को आप किस तरह से क्लासिफाई करोगे, स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन होती है, फंक्शनल होती है, कौन सा वो न्यूरोट्रांसमीटर सेक्रेट कर रहा है उसकी बेस पे होती है, उसकी वेलोसिटी और डेंसिटी और वेलोसिटी और डायमीटर की बेस पे होते हैं,
ठीक है, तो ये भी हम आगे जाके इसको देखेंगे। डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए इस चैप्टर के एंड पे, आपको पता होना चाहिए माइलिनेटेड और अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर क्या होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस है। आ गया जी, डिफाइन नर्व फाइबर इन लिस्ट फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन। फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन में बेटा सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, ठीक है, एसोसिएटेड न्यूरॉन आ जाते हैं। और व्हाट डू यू नो अबाउट ऑर्थोड्रोमिक एंड एंटीड्रोमिक कंडक्शन। ऑर्थोड्रोमिक कंडक्शन होती है जो आपकी रिसेप्टर से ब्रेन में मैसेज जा रहा होता है और ब्रेन से मैसेज वापस आ रहा होता है, उसको एंटीड्रोमिक कंडक्शन कहते हैं। इसकी भी बात हम करेंगे आगे डायग्राम के साथ में, रिफ्लेक्स आर्क आपको दिखाऊंगा, ठीक है। ये जो कंडक्शन हो रही है ये पूरा रिफ्लेक्स आर्क बनाती है। लेबल द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। यूजली हमारी बॉडी के अंदर ज्यादातर मल्टीपोलर न्यूरॉन है। मल्टीपोलर मीन सेल बॉडी से कई पोल निकल रहे हैं, एक तो एक्सोन का पोल है, बाकी मल्टीपल डेंड्राइट्स निकल रहे हैं। ये भी आपको दिखाऊंगा भी स्ट्रक्चर, और आपको बनाना आना चाहिए। फंक्शंस ऑफ न्यूरॉन क्या होते हैं, व्हाट डू यू नो रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क वही ऑर्थोड्रोमिक और एंटीड्रोमिक कंडक्शन वाली। डिफाइन न्यूरोपैथी। न्यूरो मीन नर्व और पैथी पैथी उसकी डिजीज कंडीशन, ठीक है, ब्लीड हो जाना, पेरिफेरल नर्व्स का फंक्शन खत्म हो जाना, उसको पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं, ठीक है। इन लिस्ट द डिग्री ऑफ नर्व इंजरी। अब ये दो तरह की क्लासिफिकेशन है, ठीक है, तो उसमें एक में उन्होंने ये कहा हुआ है कि फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, पांच डिग्री है नर्व इंजरी की। हम आगे जाके क्लासिफिकेशंस भी देखेंगे। एक्सप्लेन वेलेरियन डीजनरेशन एंड रीजनरेशन। इसमें हम बताएंगे कि डीजनरेशन की कॉजेज क्या क्या हो सकती हैं, और डीजनरेट जब नर्व फाइबर होता है तो उसमें क्या क्या लॉस हो सकता है, और रीजनरेशन के लिए क्राइटेरिया क्या है कि कौन सी नर्व फाइबर रीजनरेट हो सकती है। फिर डिफाइन एक्सोनल ट्रांसपोर्ट अलोंग विद टाइप्स। एक्सोनल ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट जो एक्सोन के बीच में हो रही है, यानी कि सेल बॉडी से एक्सोन की तरफ, एक्सोन से सेल बॉडी की तरफ, ठीक है। इसकी दो टाइप्स है, एंटीग्रेड और रिट्रोग्रेड, ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये तो था इस चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव, जो हम इस चैप्टर के एंड पे आपको ये क्वेश्चंस क्लियर होने चाहिए, ठीक है। वैसे तो मेरा ख्याल है अभी क्लियर हो गए होंगे, पढ़ते ही नहीं है किसको, यहां से क्लियर हो गए हैं इसी स्लाइड से। क्या सर? सर ये स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन ये वही है, यूनि, बाइपोलर, मल्टीपोलर? बिल्कुल बेटा, ये वही है। स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन में ये पोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर आ जाते हैं। फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन में आपके सेंसरी, मोटर, वो आ जाते हैं, ठीक है। और ये भी इसकी क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सोन। एक्सोन की बेस पे भी इसकी क्लासिफिकेशन है, गोल्जी टाइप 1 और गोल्जी टाइप 2। तो ये भी आपको कराता हूँ मैं, तो जस्ट आपसे शुगर लगा रहा था कि ये मैंने पूरा आपको समरी बता दी, लर्निंग ऑब्जेक्टिव बता दिए कि आपको क्या क्या इस चैप्टर के एंड पे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अब हम इसको हम स्टार्ट लेते हैं, तो स्टार्ट गाइडेंस है हमारे पास 15 मिनट के अंदर, मैंने लर्निंग ऑब्जेक्टिव आपको बताया। इन 45 मिनट्स में जितना हो सके हम स्लो स्लो पढ़ेंगे, कोई जल्दी नहीं है, आप साथ साथ पूछ सकते हो, ठीक है जी। तो सबसे पहले आ जाता है नर्वी सिस्टम है क्या। नर्वी सिस्टम बेसिकली दो होते हैं, सेंट्रल और पेरिफेरल। सेंट्रल नर्वी सिस्टम में आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है, और पेरिफेरल कंसिस्ट ऑफ क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। बेसिकली सिस्टम कनेक्ट करता है सीएनएस को, सेंट्रल नर्वी सिस्टम को, टू मसल, ग्लैंड, ऑल सेंसरी रिसेप्टर्स। सेंसरी रिसेप्टर्स वो रिसेप्टर्स होते हैं जो मैसेज आकर डिटेक्ट करते हैं और ब्रेन तक पहुंचाते हैं थ्रू सेंसरी फाइबर्स, और सेंसरी फाइबर्स को एफरेंट फाइबर्स भी कहते हैं, जो मैसेज लेके जा रहे हैं, और जो ब्रेन से मैसेज आपके इफेक्टर्स तक, मसल ग्लैंड्स तक लेके आ रहे हैं, उसको मोटर फाइबर्स कहते हैं और इफरेंट फाइबर्स भी कहते हैं, याद रखना ये बात, ठीक है जी। इस स्लाइड के अंदर ये बताया है, ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर दिखाया है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है जी, जो मैसेज आ रहा है, स्टिमुलस, सेंसरी स्टिमुलस होता है और विजुअल स्टिमुलस, ऑर्गन से जो जा रही है वो एफरेंट फाइबर्स, या आप इसको सेंसरी फाइबर्स, या आप सेंसरी डिवीजन भी कह सकते हो, या एफरेंट डिवीजन, मैसेज आपका ब्रेन तक लेके जा रहे हैं, इनपुट टू सीएनएस फ्रॉम पेरिफेरी, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपके एरियाज हैं, हर चीज का एरिया होता है, ठीक है, और वो उसको डिटेक्ट करता है, उसको इंटरप्रेट करता है, उस इंफॉर्मेशन जो स्टोर होने वाली उसको स्टोर करता है, जो उसका जवाब तैयार करना है वो जवाब तैयार करके आपका सीएनएस से पेरिफेरी में मैसेज आता है थ्रू इफरेंट डिवीजन और मोटर फाइबर्स,
ठीक है जी। तो मोटर फाइबर इफरेंट डिवीजन से मैसेज आ रहा है आपका, तो वो आगे फर्द दो में डिवाइड होगा। इन इफरेंट और एफरेंट डिवीजन बेसिकली ये सारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इनको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहेंगे, सेंसरी फाइबर्स को और मोटर फाइबर्स को। सेंसरी एफरेंट कहलाते हैं, मोटर इफरेंट कहलाते हैं, इनको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। इफरेंट की फर्दर डिवीजन है जी सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है सिंपैथेटिक पैरासिंपैथेटिक, जो कि सप्लाई करता है आपके कार्डिक और स्मूथ मसल्स को और कुछ ग्लैंड्स को। ये याद रखना, कार्डिक स्मूथ मसल्स को कौन सा सिस्टम सप्लाई कर रहा है एफरेंट डिवीजन की, कौन सी ब्रांच, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक। और स्केलेटल मसल को जो सप्लाई कर रहा है ये वो कर रहा है आपका सोमेटिक नर्वस सिस्टम, मोटर न्यूरॉन्स या सोमेटिक नर्वस सिस्टम याद रखना। और ये सारे इफेक्टर ऑर्गन है जिनके थ्रू इन बॉडी ने हमारी रिस्पॉन्स देना होता है। स्केलेटल मसल भी हो सकता है स्मूथ और कार्डिक भी हो सकता है, ग्लैंड भी हो सकता है। स्मूथ कार्डिक ग्लैंड को इफरेंट डिवीजन किसके थ्रू कर रहे हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू। और स्केलेटल मसल को किसके थ्रू कर रहे हैं, थ्रू सोमेटिक नर्वस सिस्टम। इसमें से अगर कोई आएगा भी तो एक आधा एमसीक्यू आ सकता है, और कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है इन दो स्लाइड्स के अंदर। यहां तक क्लियर होगी जी? गाइटन में कहां लिखा हुआ है? गाइटन में बेटा बताया सीएनएस सेकंड ईयर की गाइटन आप उठाओगे, गाइटन टू, ठीक है। उसके दो जो पहले चैप्टर है सेंसरी सिस्टम के, उनके अंदर चीजें दी हुई है, ठीक है। और कुछ गिनोम के अंदर दी हुई है, गिनोंग में नर्व वाले सेंटर में कर लेंगे जी। सर ये स्लाइड से ही कर लें वाला बेटा, मैंने पहले साथ ही आपको ये मैसेज दिया, जो डॉक्टर फहीम वाला है एक्शन पोटेंशियल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, वो स्लाइड से भी करो और गाइटन से भी करो, क्योंकि गाइटन में वही मेम्ब्रेन पोटेंशियल ही दिया हुआ है। मैं जो अभी पढ़ा रहा हूँ आपको ये नर्व फाइबर, ये बेसिकली हमने दोबारा आपको सेकंड ईयर में भी पढ़ाना है, लेकिन यहाँ पढ़ाना इसलिए मजबूरी है कि आप नर्व के अंदर एक्शन पोटेंशियल आरएमपी कर रहे हो, आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, नर्व फाइबर की क्लासिफिकेशन पता होनी चाहिए, एक्सोनल ट्रांसपोर्ट पता होनी चाहिए, डीजनरेशन रीजनरेशन का थोड़ा सा कंसेप्ट होना चाहिए, क्योंकि मेजर कंसेप्ट तो आपने फाइनल ईयर में जाके लेना है या पैथोलॉजी अंदर आपको वो नर्व का बताएंगे। यहाँ इसलिए यहाँ ये यू क्यू है, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक क्लासिफिकेशन और नर्व फाइबर यू क्यू है, साल्टेटरी कंडक्शन यू क्यू है, रिफ्रैक्टरी पीरियड यूनिवर्सिटेशन है, आपका यूनिट्स ऑफ एक्साइटेबिलिटी क्रोनेक्सी यूटिलाइजेशन टाइम, ये तो आप पास्ट 10 साल का पेपर उठाओगे तो आपको पेपर के अंदर ये नजर आएगा एक्साइटेबिलिटी वाला जो है, और स्ट्रेंथ ड्यूरेशन का। वेलेरियन डीजनरेशन आपको एक दो पेपर के अंदर नजर आएगा, एक्सोनल ट्रांसपोर्ट अब आपके इस लेवल पे वो नहीं पूछ सेकंड ईयर में पूछते हैं, लेकिन आपको टाइप्स और पता होना चाहिए होती क्या है, ठीक है। तो इसलिए ये आपने पढ़ना है चैप्टर, और ये आपने मेरे हैंड आउट से ही पढ़ लो तो काफी है आपके लिए। अगर हैंड आउट से आपको समझ नहीं लग रही, आप बुक पढ़ने की आदत होती है कई बच्चों को, तो आपको मैं बता रहा हूं कि सेकंड ईयर की गाइडन उठाओ, उसमें सेंसरी के दो चैप्टर हैं, ये कुछ कुछ कंसेप्ट दिया हुआ है और गिनोंग में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां से ये दो चीजें आपको क्लियर हो गई। स्लाइड में मैं आपको अभी तक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बताया, और मैं जा किसके थ्रू रहा है और ब्रेन से आ किसके थ्रू रहा है, और इफेक्टर्स कौन से होते हैं, स्मूथ और कार्डिक मसल को कौन सप्लाई कर रहा है, फिविजन का कौन सा नर्वस सिस्टम, और स्केलेटल को कौन सा सप्लाई कर रहा है। चलूं आगे? चले सर। जो ना समझे बेटा प्लीज साथ साथ पूछो। अच्छा जी, नर्वस टिश्यू कंट्रोल एंड इंटीग्रेट ऑल बॉडी एक्टिविटी विद इन लिमिट दैट मेंटेन लाइफ, ठीक है। नर्व सेल्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर कम्युनिकेशन, क्योंकि नर्व कंडक्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल, ठीक है। थ्री बेसिक फंक्शंस हैं इसके नर्वस टिश्यू के, एक तो चीज जो हमारी बॉडी में हो रही है वो सेंस करना, उसको डिटेक्ट करना, ठीक है। किसके थ्रू डिटेक्ट करता है, आपकी बॉडी के अंदर रिसेप्टर्स हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स हैं, जैसे स्टमक फ्लो हो गई, मैसेज गया ब्रेन तक आपने खाना बंद कर दिया, सूर्य आपके मुंह पे पड़ रहा है आपने एकदम से आगे हाथ रख लिया, मैसेज आपके ब्रेन तक पहुंचा आपके हाथ में वो आपके मसल्स कंट्रैक्ट हुए, हाथ आपने अपने मुंह पे रख लिया, ठीक है। तो ये चेंजेस जो सेंस हुई है सेंसरी रिसेप्टर से हुई है। फिर आपके ब्रेन में जाके इंटरप्रिटेशन होती है,
जो चीज रिमेम्बर रखनी है मेमोरी में वो मेमोरी में अंदर स्टोर होती है, ठीक है, और इंटरप्रिटेशन होती है इन चेंजेस के खिलाफ, और फिर आपकी बॉडी उसके खिलाफ रिएक्शन करती है थ्रू इफेक्टर्स। इफेक्टर्स मैंने आपको बता दिया, ग्लैंड्स भी हो सकते हैं, मसल्स भी हो सकते हैं, ठीक है जी। तो थ्री मेजर फंक्शन हो गए आपके नर्वस सिस्टम के, एक तो चेंजेस को सेंस करना, डिटेक्ट करना, उसके बारे में इंटरप्रेट करना ब्रेन के अंदर, और फिर रिएक्शन देना। सही जी, इस स्लाइड में भी कोई मसला हो तो बता दो। नो सर, कनेक्शन लॉस्ट हो गया था, फिर से बता दें। अच्छा बेटा, फिर से ये बता रहा हूँ कि नर्वस टिश्यू जो है ये कंट्रोल करता है और इंटीग्रेट करता है हमारी बॉडी की सारी एक्टिविटी, जिसकी वजह से हमारी लाइफ मेंटेन रहती है, ठीक है। और नर्व जो होती हैं वो इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स जो हैं वो कंडक्ट करती हैं। थ्री फंक्शंस होते हैं मेजर, तो चेंजेस को सेंस करना, डिटेक्ट करना थ्रू सेंसरी रिसेप्टर्स, इंटरप्रेट करना ब्रेन के अंदर, और फिर उसके खिलाफ रिएक्ट करना थ्रू इफेक्टर्स। ये तीन इसके मेजर फंक्शंस हैं। न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स, बेसिकली ये आप पढ़ते आए हो, एफएससी में भी आपने पढ़े, न्यूरॉन्स आर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। स्ट्रक्चर भी यही बना रहे हैं आपके ब्रेन का, और आपके ब्रेन के जितने फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं थ्रू न्यूरॉन्स ही हो रहे हैं, ठीक है। सीएनएस कंटेन 100 बिलियन न्यूरॉन्स। अब बिसाइड नर्व इंपल्स कंडक्शन, न्यूरॉन की कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं। एक तो लॉन्गेविटी, इनकी लॉन्ग लाइफ होती है, ठीक है। ए माइटोटिक, इनमें सेल डिवीजन नहीं होती। हाई मेटाबॉलिक रेट, मेटाबॉलिज्म इनमें ज्यादा होता है बाकी सेल से, ठीक है जी। तो ये आपने बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखनी है कि इनकी लॉन्ग लाइफ है, ये ए माइटोटिक होते हैं, हाई मेटाबॉलिक रेट होता है, ठीक है, और 100 बिलियन न्यूरॉन होते हैं। ये स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम है। आप इनके जब कंपोनेंट्स आप देखोगे, एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आप देखोगे, तो आपको सेल बॉडी नजर आएगी और टू प्रोसेसेस नजर आएंगे, एक एक्सोन होगा और दूसरा डेंड्राइट्स होगा। एक्सोन और डेंड्राइट, ठीक है, एक्सोन और डेंड्राइट, ये स्ट्रक्चर होगा। ये एक्सोन आ रहा है, ठीक है, ये बेसिकली एक मल्टीपोल न्यूरॉन की स्ट्रक्चर है, इसमें मल्टीपल पोल है। ये सेल बॉडी है, इससे एक पोल निकल रहा है जिसको आप एक्सोन कह रहे हो, और बाकी ये सारे डेंड्राइट्स हैं, ठीक है, मल्टीपल डेंड्राइट्स हैं। डेंड्राइट्स का काम है मैसेज सेल बॉडी की तरफ लाना, एक्सोन का काम है कंडक्ट मैसेज अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, ठीक है। जो इनिशियल पार्ट होता है एक्सोन का, जहां से एक्सोन स्टार्ट होता है, उसको एक्सोन हाइलोब कहते हैं, एक्सोन हाइलोब। यहीं से बेसिकली एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल करना शुरू करा है, ठीक है, यहीं से एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल करना शुरू कर। दोबारा सुन लो, ये बॉडी है, ये डेंड्राइड्स हैं और ये एक्सोन है, ठीक है। ये आपको मल्टीपोलर एक्सोन दिखाया हुआ है और साथ माइलिनेटेड नर्व फाइबर दिखाया हुआ है। एक्सोन को बेसिकली नर्व फाइबर कहते हैं। न्यूरॉन का जो एक्सोन होता है, लॉन्ग एक्सोन इज नोन एज नर्व फाइबर। अब और ये जो एक्सोन दिखाया गया है, ये माइलिनेटेड एक्सोन दिखाया गया है, और नर्व फाइबर को माइलिनेटेड नर्व फाइबर बोलेंगे, ठीक है। अब इसके माइलिन शीथ दिखाई गई है, ठीक है, जो श्वान सेल्स बना रहे हैं, और जहां पे ये गैप आता है इनमें, ये इंटरप्टेड होती है, वहां पे इसको नोड ऑफ रेनर वायर कहते हैं। ये नोड ऑफ रेनर वायर है, ये श्वान सेल्स है, और ये जो पूरी शीथ है इसका नाम है माइलिन शीथ। ये इनिशियल सेगमेंट ऑफ एक्सोन है, जिसको एक्सोन हाइलोब कहते हैं, जहां पे एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल करता है, ठीक है, और इसको ट्रिगर जोन भी कहते हैं, आगे आएगा, ये ट्रिगर जोन है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड ट्रिगर जोन। और ये आपका कंडक्टिंग जो के कर रहा है आपकी इंपल्स, इसको कंडक्टिंग जोन कहते हैं, कंडक्टिंग जोन, ठीक है जी। ये फिर एक्सोन आगे आके एक्सोन टर्मिनल और टर्मिनल बटन आते हैं, यहाँ पे आपका एक्शन पोटेंशियल पहुंचता है, नर्व इंपल्स पहुंचती है, तो इन एक्सोन टर्मिनल से न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज होते हैं। अब न्यूरो ट्रांसमीटर आपके एक्सिटेटरी भी हो सकते हैं, इनहिबिटरी भी हो सकते हैं। एक्साइटेटरी है तो वो अगले, वो न्यूरोट्रांसमीटर अगले रिसेप्टर्स पे लगेंगे, डेंड्राइट्स, अगर इधर यहाँ पे डेंड्राइट्स पड़े हुए हैं तो वो उन रिसेप्टर्स पे लगेंगे और मैसेज आगे इंपल्स जनरेट कर देंगे। अगर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होंगे वो वहीं पे मैसेज को रोक देंगे, इनहिबिट कर देंगे। और एक गैप जो बिटवीन टू न्यूरॉन्स होता है, इसको आप साइनेप्स बोलते हो, ठीक है, एक्सोन और डेंड्राइट्स के बीच में जो गैप आता है, इसको साइनेप्स बोलते हैं, जहां पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं।
तो ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन आए तो आपने ये मल्टीपोलर न्यूरॉन ही बनाना है, ठीक है। ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन आए तो आपने यही बनाना है, नोड ऑफ रेनर वायर, श्वान सेल्स शो करने हैं, एक्सोन बताना है, डेंड्राइट, सेल बॉडी, सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस होता है और सेल बॉडी के अंदर सारी की सारी ऑर्गेनेल्स वही होती हैं जो बाकी सारे सेल्स में होती हैं। इनके अंदर मल्टीपोलर क्यों कहते हैं? मल्टीपोलर क्यों कहते हैं? इसमें मल्टीपल पोल निकल रहे हैं, एक पोल एक्सोन का निकल रहा है और बाकी ये सारे पोल डेंड्राइट से निकल, डेंड्राइट के निकल रहे हैं, सेल बॉडी से मल्टीपोल निकल रहे हैं। आगे यूनिपोलर के भी दिखाऊंगा, बाइपोलर दिखाऊंगा, ठीक है। यूनिपोलर का मतलब पोल निकल रहा होता है, यूनिपोलर का मतलब होता है एक ही पोल निकल रहा है, उस पोल से आगे फर्दर दो डिवीजन होती है, एक्सोन और डेंड्राइट। बाइपोलर का मतलब होता है एक एक्सोन का होता है और एक डेंड्राइट का, और फिर डेंड्राइट आगे फर्दर मल्टीपल पोल होता है, लेकिन सेल बॉडी से दो पोल ही निकलते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे लोग थे कि ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम है, CNS कंटेन 100 बिलियन न्यूरॉन, ये नर्व इंपल्स कंडक्ट करता है, उसके अलावा के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इसका अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो एक्सोन होता है, डेंड्राइट होता है और सेल बॉडी होती है, और सेल बॉडी के अंदर मैं कह रहा हूँ कि सारी की सारी ऑर्गेनिज्म ऐसी होती हैं जैसे सेल की होती हैं, न्यूक्लियस भी होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है, राइबोसोम्स भी होते हैं, गोल्जी ऑपरेटर्स भी होते हैं। इसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में रोल प्ले करते हैं उसको निसल बॉडीज कहते हैं, उसको निसल बॉडीज कहते हैं। व्हाट इज निसल बॉडीज? निसल बॉडीज बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ न्यूरोनल सेल बॉडी जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में रोल करते हैं। बाकी एक चीज और मैं बता दूं, आगे तो बतानी यही बता देता हूँ, बाकी एक्सोन में भी सारा कुछ ऐसे ही है जो सेल बॉडी में ऑर्गेनाइज होती है एक्सेप्ट निसल बॉडी। इससे आपका ये पता आपको होना चाहिए कि एक्सोन के अंदर प्रोटीन सेंसेस नहीं हो रही, प्रोटीन सेंसेस सेल बॉडी में हो रही है और ये एक्सोन डिपेंड कर रहा है इस प्रोटीन पे, ठीक है। और डेंड्राइट्स के अंदर स्ट्रक्चर सेल बॉडी वाली होती है, ये आगे जाके मैं आपको पढ़ाता हूँ अभी, ठीक है। यहाँ पे हमने सिर्फ इसका स्ट्रक्चर, फंक्शन ऑफ न्यूरोन क्या होते हैं, फंक्शन ऑफ न्यूरोन ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, फिर जो स्टोर होनी इंफॉर्मेशन उसकी स्टोरेज, मेमोरी, मॉनिटरिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी, न्यूरोसेक्रीशंस की रेगुलेशन, और इसकी के अंदर कैपेसिटी है एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस करने की, ठीक। ये अगर इन लिस्ट फंक्शन ऑफ न्यूरॉन आ जाए जो कि बहुत रेयर आएगा, लेकिन आपको पता चलेगा कि दो तीन फंक्शन इसके कौन कौन सी। स्ट्रक्चर आपको पहले दिखा दी मैंने, मजीद ये भी एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसमें जोन के मुताबिक उसको बताया गया है। देखो जी ये डेंड्राइट्स है, ठीक है, जिसको इनपुट जोन कहते हैं, यहां से मैसेज आ रहा है, जा नहीं रहा, यहां से मैसेज आ रहा है, ये आपको एरर्स शो कर रहे हैं। और इनपुट जोन वो पार्ट है वेयर इनकमिंग सिग्नल फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स आर रिसीव, यानी यहाँ पे एक्सोन है, एक्सोन ने मैसेज इन न्यूरॉन्स के थ्रू, न्यूरोट्रांसमीटर ने इनके थ्रू इधर दे दिया, इसको इनपुट जोन कहते हैं, ठीक है। इसमें डेंड्राइट्स है और सेल बॉडी आ जाता है, सेल बॉडी से फिर ये ट्रिगर जोन स्टार्ट होता है, कौन सा इनिशियल पार्ट ऑफ जो होता है आपका एक्सोन, जिसको एक्सोन आइलोक बोलते हैं, वो ट्रिगर जोन है, वहां से एक्शन पोटेंशियल ने ट्रिगर होना है, स्टार्ट होना है, फिर ये आपका एक्सोन जो है पूरा ये कंडक्टिंग जोन है, और एक्सोन टर्मिनल जो है ये आउटपुट जोन है, यहां से मैसेज आपका फर्दर आगे जाना है, एक्साइटेटरी है, इनहिबिटरी है, कौन न्यूरोट्रांसमीटर वो रिलीज हो रहे हैं, कि अब मैसेज आपका किस टाइप का है, ठीक है जी। तो ये एक्सोन टर्मिनल से मैसेज आगे जाना है। आपने न्यूरोमस्कुलर जंक्शन सर ने पढ़ा दिया कि अभी पढ़ाना है? पढ़ाना है। चले, उसमें भी इंशाल्लाह आपकी ये चीज क्लियर हो जाएगी, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। जैसे आपको मायस्थीनिया ग्रेविस वो बताएंगे, एनएमजे बताएंगे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, तो यहाँ पे एसिटाइल कोलीन फॉर एग्जाम्पल आपके न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होने और वो क्या क्या करेंगे, ठीक है, वो आपको वो इंशाल्लाह आगे जाके पढ़ा देंगे। तो यहाँ पे अभी फिलहाल आप ये समझो कि एक्सोन टर्मिनल है, जिसको आप आउटपुट जोन भी कहते हो। तो अगर न्यूरॉन को जोन्स के हिसाब से डिवाइड किया जाए तो इसके चार जोन्स हैं, इनपुट जोन जहां पे मैसेज आ रहा है, डेंड्राइट्स और सेल बॉडी, और ट्रिगर जोन जो कि जहां से एक्सोन निकल रहा है सेल बॉडी से, उसको इनिशियल सेगमेंट भी कहते हैं, उसको एक्सोन हाइलोक भी कहते हैं, उसको ट्रिगर जोन भी कहते हैं, कंडक्ट हो रहा है मैसेज, और फोर्थ है आउटपुट जोन। यहां तक किसी को कोई मला हो तो फिर मैं आगे एक एक का जरा एक्सप्लेन करने लगा कि सेल बॉडी में क्या क्या है, डेंड्राइट्स में क्या क्या है, और एक्सोन में क्या क्या। यहां तक किसी ने कुछ पूछा हो, किसी के कुछ ड्रॉप हो गए हो,
दोबारा बता देते हैं बेसिकली इसमें बेटा मैंने आपको बताया एक तो आपने स्ट्रक्चर वैसे बताना पता होना चाहिए आपको कि न्यूरॉन की सेल बॉडी है सेल बॉडी के अंदर सारी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे सेल के अंदर होती हैं और दूसरा इससे जो प्रोसेसेस निकल रहे हैं वो डेंड्राइट्स भी हैं और एक्सोन भी है डेंड्राइट्स में भी सारी ऑर्गेनाइज वैसी हैं जैसी सेल बॉडी में एक्सोन में भी सारी वैसी हैं एक्सेप्ट निसल बॉडीज जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम की ये प्रोटीन सिंथेसिस का अपरेटस है वो नहीं है ठीक है बाकी वही है अब जो वैसे अगर जून के हिसाब से देखा जाए कि चार पार्ट हैं न्यूरॉन के एक इनपुट जून जहां मैसेज न्यूरॉन तक आ रहा है ठीक है यहां आउट जून मैसेज इनपुट जून में दे रहा है इनहिबिटरी मैसेज या एक्साइटेटरी मैसेज है क्योंकि ये न्यूरॉन बेटा सिंगल है आपस में मल्टीपल के जुड़े हुए हैं ये एक दूसरे के साथ थ्रू साइनेप्स जुड़े हुए हैं ये कंडक्ट करता है थ्रू आउट द न्यूरॉन मैसेज फिर अगले न्यूरॉन में फिर उससे अगले न्यूरॉन में ठीक है जिस टाइप मैसेज एक्साइटेटरी है या इनहिबिटरी है तो यहाँ पे इनपुट जोन डेंड्राइट्स और सेल बॉडी को कहा गया ठीक है यहाँ पे मैसेज आ रहा है कहां से आ रहा है दूसरे एक्सोन से आ रहा है आउटपुट जोन से मैसेज आ रहा है ठीक है तो इनपुट जोन हो गया फिर आपका ट्रिगर जोन हो गया ट्रिगर जोन का मतलब है यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा ये पार्ट न्यूरोन का जो है एक्सोन हाइलोब कहलाता है इनिशियल सेगमेंट ऑफ एक्सोन कहलाता है वो पार्ट जहां से एक्सोन सेल बॉडी से निकल रहा है फिर कंडक्टिंग जोन है जहां पे मैसेज कंडक्ट होके आपका आगे आ रहा है फिर आपका आउटपुट जोन है जहां पे आपके न्यूरॉन ने आउटपुट देना है टर्मिनल बटन से एक्साइटेड न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होनी है एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी डिपेंड अपॉन के मैसेज कौन सा पहुंचा हुआ है आपके न्यूरॉन तक ठीक है जी और उसको आउटपुट जोन कहते हैं बेटा समझ आ गई जो पूछ रहा था ये यस सर थैंक यू वेलकम जी अच्छा जी अब आगे सेल बॉडी की बात कर लेते हैं ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए स्ट्रक्चर आप बना रहे हो एक न्यूरॉन का तो आपको पता होना चाहिए सेल बॉडी के अंदर आप ये सारी ऑर्गेनाइज बनाओगे तो नहीं लेकिन आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी ऑर्गेनाइज होती है और क्या क्या काम करती है ठीक है अच्छा जी सेल बॉडी जो है इसके अंदर सिंगल न्यूक्लियस होता है विद न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियोलाई विच कंटेन ऑल ऑर्गेनाइज एक्सेप्ट सेंट्रियोल सेंट्रियोल इसमें क्यों नहीं होगा डिवीजन नहीं हो रही इसलिए सेंट्रियोल का काम ही कोई नहीं है वेरी गुड ठीक है तो इसमें सेंट्रियोल नहीं है बाकी सारी ऑर्गेनाइज है न्यूक्लियस विद प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलस है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और फ्री राइबोसोम है और की गोल्जी अपरेटस भी है ये सारा अपरेटस होता है जो प्रोटीन सिंथेसिस में रोल प्ले करता है इसमें जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनको निसल बॉडीज भी कहते हैं न्यूरॉन के रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ठीक है तो निसल बॉडीज आर प्रेजेंट एक्सेप्ट एक्सोन हाइलोब अब निसल बॉडी वो कहते हैं सेल बॉडी में भी प्रेजेंट है और डेंड्राइट्स में भी प्रेजेंट है लेकिन एक्सोन हाइलोब पे नहीं है या एक्सोन में वो नहीं है इसका मतलब ये है कि प्रोटीन सिंथेसिस डेंड्राइट्स में भी हुई है सेल बॉडी में भी हो रही है लेकिन एक्सोन में प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो रही एक्सोन डिपेंड करता है सेल बॉडी के ऊपर वहां से प्रोटीन लेता है ठीक है जी न्यूरोफिलामेंट्स होते हैं जो कि शेप इसको देते हैं और इसको सपोर्ट करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं विच मूव मटीरियल इनसाइड द सेल यानी कि जिनके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रही है लिपोफ्यूशन पिगमेंट्स हैं जो कि हार्मलेस एजिंग को बताते हैं ये पिगमेंट ज्यादा होंगे तो इसका मतलब है न्यूरॉन की एज ज्यादा है ठीक है जी सेल बॉडीज इन CNS आर प्रोटेक्टेड बाय स्कल ये हमें पता है एंड वर्टेब्रल कॉलम ठीक है क्लस्टर ऑफ सेल बॉडी इन CNS आर कॉल्ड न्यूक्लियाई वेयर एज दोज लाय अलोंग द नर्व पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आर कॉल्ड गैंग्लिया सेल बॉडीज जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर सेल बॉडी है अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है स्पाइनल कॉर्ड किसके अंदर है वर्टेब्रल कॉलम और ब्रेन किसके अंदर है स्कल तो जाहिर बात है सेल बॉडी जो CNS के अंदर है उसको प्रोटेक्ट आपका स्कल और वर्टिब्रल कॉलम कर रहे हैं और क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज जो आपके ब्रेन में है और स्पाइनल कॉर्ड में उनको न्यूक्लियाई कहते हैं जो कि आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सेल बॉडीज उनको गैंग्लिया कहते हैं गैंग्लिया को आप डॉट ऑन स्ट्रिंग भी कहते हो फॉर एग्जाम्पल इसको आपने स्ट्रिंग का नाम दे दिया ये स्ट्रिंग है
और इसके ऊपर अगर मल्टीपल साथ साथ जुड़े हुए न्यूरॉन्स पड़े हुए हैं तो आपको यूं ही लगेगा कि वो नॉट के ऊपर स्ट्रिंग है, ठीक है, सेल बॉडी इस तरह से लुक देगी आपको, ठीक है। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में उसको न्यूक्लियाई कहेंगे, एमसीक्यू है। जी बेटा सर, ये जो पिगमेंट क्लंप्स हैं क्या है इनका बता दें। ल्यूपोफ्यूसिन पिगमेंट्स होते हैं बेटा ये साल, और ये क्लंप होते हैं, और ये अगर ज्यादा हो तो पता चलता है कि ये एज बताते हैं। जैसे आप आगे पढ़ोगे न्यूट्रोफिल के लोब, कुछ न्यूट्रोफिल के 3 लोब होते हैं, कुछ के 4 होते हैं, कुछ के 5 होते हैं, और लोब सिग्निफिकेंस ये होते हैं, ये हमें एज के बारे में और मेच्योरिटी के बारे में बताते हैं। पेंटालोब न्यूट्रोफिल है तो वो समझो कि ज्यादा मेच्योर है एज कम्पेयर टू इसके 3 लोब है, ठीक है। इसी तरह ये पिगमेंट्स हैं जो कि हमें एजिंग के बारे में बताते हैं। Dendrites. Neurons have several processes called dendrites that extend outward from the cell body. और इनका काम ये, क्योंकि input zone है, conduct impulse towards the cell body. Typical ये numerous, short, highly branched और unmyelinated होते हैं। ये इनके characteristics हैं। ये ज्यादा होते हैं, short होते हैं, branched होते हैं और unmyelinated होते हैं। इनके around myelin sheath नहीं होती, ठीक है। सरफेस स्पेशलाइज्ड डेंड्रेटिक स्पाइन होती है फॉर कॉन्टेक्ट विद अदर न्यूरॉन। ये देखो ये आपका डेंड्राइट्स है, इनके एंड पे एक स्पाइन है, ठीक है, जो कि कॉन्टेक्ट जब ये वहां से आपका न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है वो इसमें उसका मैसेज इस तक पहुंचता है तो वो स्पाइन के थ्रू ये रिसीव करता है, ठीक है। और जो इनका कॉन्टेक्ट होता है जैसे कि एक्सोन टर्मिनल और ये जो है आपके डेंड्रेटिक स्पाइन के बीच में जो गैप है उसको साइनेप्स बोलते हैं। Each contain all organelles that are present in cell body. इसमें सारी वही organelles होती हैं जो कि आपकी cell body में present होती हैं, यानी कि initial bodies भी होती हैं। Axon. Axon conduct impulse away from cell body. Usually axon are single, long, thin cylindrical process, or it may be myelinated or may be unmyelinated. जो myelinated axon होती हैं उनको वो myelinated nerve fiber कहते हैं, और जो अनमाइलिनेटेड होते हैं उनको अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर कहते हैं। इनिशिएशन ऑफ एक्सोन अराइज फ्रॉम अ कोन शेप्ड एरिया ऑफ द सेल बॉडी व्हिच इज कॉल्ड एक्सोनेलो, ठीक है, और इंपल्स अराइज फ्रॉम इनिशियल सेगमेंट जिसको आउटर जोन भी कहते हो। उसके अलावा इसकी साइड ब्रांचेस भी हो सकती हैं जो आपको लेटरल कहते हो। एक एक्सोन निकल रहा है उसकी साइड ब्रांचेस भी होंगी, जैसे ये पे ये दिखाया ये एक्सोन है ना, तो ये एक्सोन में से एक कोलेटरल भी निकल सकता है, ठीक है, इनको एक्सोन कोलेटरल्स कहते हैं। दे कंटेन ग्रेन्यूल्स और वेसिकल्स इन विच द सेंट्रिक ट्रांसमीटर सेक्रेटेड बाय नर्व्स आर स्टोर्ड, ठीक है। इसके अंदर आपके एक्सोन टर्मिनल के ऊपर वेसिकल्स होते हैं और ग्रेन्यूल्स होते हैं जिनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। व्हेन इंपल्स रीच एट एक्सोन टर्मिनल इट कॉज न्यूरोट्रांसमीटर टू बी रिलीज्ड इनटू एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस which excite or inhibit the next neuron, ठीक है। ये बात मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, दोबारा सुन लो। एक्सोन के जो होते हैं एक्सोन टर्मिनल उनमें ग्रेन्यूल्स और वेसिकल्स होते हैं जिनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर होते हैं। When impulse reaches the axon terminal, it causes neurotransmitter to be released into extracellular space. अब डिपेंड करता है वो न्यूरोट्रांसमीटर या जो मैसेज आपको आ रहा है साइटेटरी आ रहा है कि इनहिबिटरी आ रहा है, उसके मुताबिक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा, ठीक है, कहां पे साइनेप्स के अंदर, और वो अगले डेंड्राइट या अगले एक्सोन को एक्साइट और इनहिबिट कर देगा। एक्सोन डिवाइडेड इनटू प्री साइनेप्टिक टर्मिनल व्हिच एंड इन अ नंबर ऑफ साइनेप्टिक नोड व्हिच आर कॉल्ड टर्मिनल बटन। अब यहां पे उन्होंने कहा कि ये बेसिकली आपके प्री साइनेप्टिक टर्मिनल्स हैं और एंड हो रहे हैं ये सिनेप्टिक बटन्स, और बटन्स के अंदर ही न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, वेसिकल्स होते हैं, ग्रेन्यूल्स होते हैं जिनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर होते हैं। या आप ये भी कह दो एक्सोन टर्मिनल के अंदर ये होते हैं। एक्सोन टर्मिनल को बेसिकली हमने फर्दर दो में कह दिया, ठीक है, सिनेप्टिक टर्मिनल और टर्मिनल बटन। इन सम न्यूरॉन एक्सोन इज शॉर्ट और एब्सेंट, नेदर इट इज लॉन्ग entire length of neuron, यानी कि dendrites छोटे हैं और cell body और फिर एक long सा axon है, ठीक है, entire length of neuron पूरी axon बना रहा है। Example इसकी दी है उन्होंने axon of motor neuron which control the skeletal muscle of great toe। Great toe को जो
एक्सोन या मोटर न्यूरॉन कंट्रोल कर रहे हैं उसके स्केलेटल मसल को, वो आपका लंबर रीजन से शुरू होता है, ये लंबर रीजन ऑफ स्पाइन टू फुट ग्रेट टो तक वो आता है, ठीक है, 3-4 feet उसकी लेंथ होती है। इस तरह के जो लॉन्ग एक्सोन्स होते हैं, जरूरी नहीं कि यही 3-4 feet, 1 feet का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, 1/2 feet का भी हो सकता है, मतलब है लॉन्ग एक्सोन्स को आप नर्व फाइबर का नाम देते हो। एक्चुअली दीज एक्सोन्स आर नोन एज नर्व फाइबर। एक्सोन कंटेन सेम ऑर्गेनेल्स व्हिच आर फाउंड इन डेंड्राइट्स एंड सेल बॉडी एक्सेप्ट निसल बॉडीज एंड गोल्जी अपरेटस, जो कि इन्वॉल्व होते हैं प्रोटीन सेंस, यानी कि एक्सोन के अंदर प्रोटीन सेंसेस नहीं होती, ये एमसीक्यू है। सो एक्सोन डिपेंड ऑन इट सेल बॉडी फॉर प्रोटीन, ये भी एमसीक्यू है कि एक्सोन किस पे डिपेंड कर रहा है, खुद सिंथेसाइज करता है कि कहां पे, डेंड्राइट से करता है, सेल बॉडी से करता है, तो सेल बॉडी से, ठीक है जी। इसके अलावा और कौन कौन से सेल होते हैं आपके सीएनएस के अंदर, बोन के अलावा ग्लायल सेल्स होते हैं। अब ग्लायल सेल्स आर ऑन सपोर्टिंग सेल्स, ठीक है, ये कंडक्ट नहीं करते इंपल्स को, ना ये इनिशिएट कर सकते हैं ना ये कंडक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये न्यूरॉन्स को सपोर्ट जरूर करते हैं। 90% ऑफ द सेल्स इन द सीएनएस आर नॉट न्यूरॉन बट दीज आर द ग्लायल सेल्स, और इन ग्लायल सेल्स को न्यूरोग्लाया कहते हैं। ये ग्लायल सेल्स इन न्यूरॉन्स को सपोर्ट करते हैं फिजिकली भी, मेटाबॉलिकली भी और फंक्शनली भी। These are also called supporting cells of CNS. ठीक है, उसके अलावा कुछ न्यूरोग्लाया होते हैं, कुछ माइक्रोग्लाया भी होते हैं। माइक्रोग्लाया आर बेसिकली मैक्रोफेजेस, दे रिजेंबल टिश्यू मैक्रोफेजेस। CNS के अंदर जो मैक्रोफेज होते हैं उनको माइक्रोग्लाया कहते हैं। मैक्रोफेजेस का क्या फंक्शन होता है, वैसे तो आपने भी पढ़ना है लेकिन थोड़ा सा जरा सोच। फेगोसाइटोसिस, ये रिमूव कर देते हैं कोई वायरस, कोई इंफेक्शन, कोई डिजीज, कोई इंजरी के थ्रू अगर कोई इंफेक्शन है तो उसकी ये फेगोसाइटोसिस कर देंगे। तो माइक्रोग्लाया आपके ब्रेन के मैक्रोफेजेस है, ये भी एमसीक्यू है, क्योंकि ये आपने आगे जाके जब WBC पढ़ाऊंगा रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम जब पढ़ना है तो आपको डिफरेंट मैक्रोफेजेस का पता होना चाहिए। ग्लायल के अंदर जो मैक्रोफेजेस हैं वो कुफर सेल्स होते हैं, ब्रेन के अंदर जो मैक्रोफेजेस हैं वो माइक्रोग्लाया होते हैं, लंग्स में जो मैक्रोफेजेस हैं उनको एल्वियुलर मैक्रोफेजेस कहते हैं, ठीक है, ये एक एमसीक्यू है। उसके बाद आ जाता है मैक्रोग्लाया। मैक्रोग्लाया वो कहते हैं तीन होते हैं आपके, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, श्वान सेल और एस्ट्रोसाइट्स, ठीक है। अब इनमें जो दो इंपॉर्टेंट हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स और श्वान सेल्स, बेटा श्वान ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ ये बात जरा गौर से सुनना। श्वान सेल्स आपकी माइलिन शीथ की फॉर्मेशन करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर, और जो सीएनएस के अंदर ओलिगोडेंड्रोसाइट्स करते हैं आपकी माइलिन शीथ की फॉर्मेशन, यानी जो माइलिन शीथ की फॉर्मेशन होती है, जो एक्सोन के अराउंड माइलिन शीथ बनती है जिसको माइलिनेटेड नर्व फाइबर कहते हैं, उसकी कंपोजिशन अगर देखी जाए तो कौन से सेल से बन रही है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अराउंड जो माइलिन शीथ बन रही है उसको वो श्वान सेल बनाते हैं, और सीएनएस के अंदर ओलिगोडेंड्रोसाइट्स बनाते हैं, ठीक है जी। ये प्लीज ये याद रख लेना, ये आगे भी एक दो दफा रिपीट होगा, और ये एमसीक्यू है। सर रिपीट कर दें बेटा। मैंने कहा कि आपके स्पोर्टिंग सेल तीन है, न्यूरोग्लाया, माइक्रोग्लाया और मैक्रोफेजी मैक्रोग्लाया, न्यूरो, माइक्रो एंड मैक्रो, और के अलावा न्यूरॉन्स होते हैं ब्रेन में। न्यूरॉन का हम स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ चुके हैं, ठीक है, डिटेल में। अब ये क्योंकि न्यूरो, माइक्रो, मैक्रो है, जस्ट इनका आपको पता होना चाहिए कि क्या है। दीज आर सपोर्टिंग सेल्स। न्यूरोग्लाया जो होते हैं वो सपोर्ट करते हैं फिजिकली, मेटाबॉलिकली और फंक्शनली। माइक्रोग्लाया बेसिकली एक्ट करते हैं एज अ मैक्रोफेज ऑफ ब्रेन, और मैक्रोग्लाया जो है वो होते हैं तीन फर्दर, ओलिगोडेंड्रोसाइट, श्वान सेल एंड एस्ट्रोसाइट्स। इनमें दो इंपॉर्टेंट है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स और श्वान सेल। ये दोनों सेल बेसिकली माइलिन शीथ की फॉर्मेशन में रोल प्ले करते हैं। माइलिन शीथ कहां पे बनती है, अराउंड एक्सोन, न्यूरॉन्स के एक्सोन के अराउंड माइलिन शीथ बनती है, कुछ के अराउंड बनती है, कुछ के अराउंड नहीं बनती, जिनके अराउंड बनती है उनको माइलिनेटेड नर्व फाइबर कहते हैं, उन एक्सोन को, और जिनके नहीं बनती उनको माइलिनेटेड नर्व फाइबर कहते हैं। आपको पता है न्यूरॉन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी होते हैं और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी होते हैं। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन होते हैं उनके अगर
एक्सोन के अराउंड माइलिन शीथ बनती है तो वो आपके ओलिगोडेंड्रोसाइट्स बनाती है, और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होते हैं, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होते हैं उनकी जो माइलिन शीथ की फॉर्मेशन है वो श्वान सेल्स करती है, ठीक है जी। इसीलिए जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उनके जो नर्व फाइबर है उनकी उनके जो माइलिन शीथ है वो रीजनरेट करती है ओलिगोडेंड्रो, क्योंकि श्वान सेल्स में ये एबिलिटी है कि रीजनरेट कर लेती हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स में ये एबिलिटी नहीं है, इसलिए वहां पे अगर कोई नर्व फाइबर डैमेज हुआ है कि रीजनरेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि ओलिगोडेंड्रोसाइट्स में ये कैपेसिटी नहीं है। ये आगे मैं जब रीजनरेशन और डीजनरेशन पढ़ाऊंगा ये दोबारा बात रिपीट होगी, ठीक है। ये आपको समझ आ गई है। अब ये आखिरी जो पॉइंट है ये एमसीक्यू है, और इनके फंक्शन अभी आपको इतने याद होने चाहिए कि वो स्पोर्टिंग सेल्स हैं, ये मैक्रोफेजेस हैं, और ये आपके माइलिन शीथ में इनका रोल है ओलिगो और श्वान का। ओलिगो जो है ये बेसिकली सीएनएस के में जो नर्व फाइबर है उनकी माइलिन शीथ बनाते हैं, और श्वान सेल जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की माइलिन शीथ बनाते हैं। साइनेप्स की बात हो गई, बिटवीन टू न्यूरॉन उसको साइनेप्स कहते हैं, ठीक है जी। अब आज का जो ये दोबारा दिखाया गया है कि ये ट्रांसमीटर वेहिकल्स हैं, ये बेसिकली जब इम्पल्स आती है एक्सोन टर्मिनल से ये वेहिकल्स जो हैं ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं, और ये न्यूरोट्रांसमीटर आके फिर पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन नेक्स्ट न्यूरॉन के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं वहां लग जाते हैं, और अगर एक्शन पोटेंशियल आगे ट्रेवल करना है एक्साइटेटरी है तो इसको एक्साइट कर देंगे, अगर इनहिबिटरी है तो यहीं पे इनहिबिट कर देंगे, ठीक है जी। आज का क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन। अच्छा बच्चे, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब रह गए 5 मिनट और मैं सिर्फ ये क्लासिफिकेशन बता के आपको बता दूंगा। सर ये जो रिसेप्टर पोस्ट साइनेप्टिक पे है बेटा, ये प्री साइनेप्टिक होता है जो मैसेज लेके आ रहा है, पोस्ट साइनेप्टिक हो रहा है जिसको उसने मैसेज देना है, इसको प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन कहते हैं, जहां मैसेज आ रहा है वो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है, बीच में ये साइनेप्स है ना गैप है, इसलिए गैप से पहले वाला जो है वो प्री है और गैप के बाद वाला जो है वो पोस्ट है। सर ये जो रिसेप्टर्स है ये डेंड्राइट्स पे होंगे ना पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के? बिल्कुल जी, उनके डेंड्राइट्स पे। चलिए क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन। क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन देखकर स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन है, फंक्शनल क्लासिफिकेशन है। स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ प्रोसेसेस, यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर। फंक्शनल सेंसरी, मोटर और इंटर न्यूरॉन। न्यूरो ट्रांसमीटर जो के न्यूरॉन यूज कर रहे हैं या न्यूरॉन से वो जनरेट हो रहे हैं वो कोलिनर्जिक न्यूरॉन भी हो सकते हैं, वो न्यूरॉन या जो के सेक्रीट कर रहे हैं एसिटाइल कोलीन उनको कोलिनर्जिक न्यूरॉन कहेंगे, जो न्यूरॉन सेक्रीट कर रहे हैं एड्रिनालिन उनको एड्रिनर्जिक न्यूरॉन कहेंगे, जो न्यूरॉन सेक्रीट कर रहे हैं डोपामीन उनको डोपामिनर्जिक न्यूरॉन कहेंगे, और न्यूरोट्रांसमीटर को आप एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी भी कह सकते हो, ये भी डिपेंड करता है आपका एंटी इज न्यूरोट्रांसमीटर, कि एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, फॉर एग्जांपल एसिटाइलकोलीन इज एक्साइटेटरी, डोपामीन इज इनहिबिटरी, ठीक है, उसकी बेस पे आप कह सकते हो। डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ एक्सोन, गोल्जी टाइप 1 और गोल्जी टाइप 2, अगर लॉन्ग लेंथ के एक्सोन है तो वो गोल्जी टाइप 1 है, अगर शॉर्ट के एक्सोन या नर्व फाइबर है तो वो गोल्जी टाइप 2 है, ठीक है जी। तो मेन क्लासिफिकेशन आपने जो याद रखनी है स्ट्रक्चर, फंक्शनल और न्यूरोट्रांसमीटर की बेस पे। न्यूरोट्रांसमीटर जो रिलीज हो रहा है उसकी बेस पे भी उसका नाम है, और उसके न्यूरोट्रांसमीटर के फंक्शन की बेस पे भी उसका नाम है। रिलीज हो रहा है उसकी बेस पे उसका कोलिनर्जिक, एड्रिनर्जिक, डोपामिनर्जिक, ये एग्जांपल्स आ जाएंगी, और इफेक्ट फॉर एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी, ठीक है जी। डिपेंड अपॉन द लेंथ गोल्जी टाइप 1 एंड गोल्जी टाइप 2 न्यूरॉन। अब ये स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन देख लो, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ प्रोसेस फाउंड सेल बॉडी। सबसे पहले मल्टीपोलर, मल्टीपोलर ये है बेटा सेवरल डेंड्राइट्स, एक सेल बॉडी से मल्टीपल पोल निकल रहे हैं, सेवरल डेंड्राइट्स के और एक जोन का पोल है, ठीक है, तो इसको मल्टीपोलर कहेंगे, और ये मोस्ट कॉमन टाइप है, ये एमसीक्यू है, जो अंडरलाइन हुए हैं ये एमसीक्यू है। बाइपोलर न्यूरॉन यानी कि एक पोल डेंड्राइट का निकल रहा है और एक एक्सोन का, ये एक्सोन का पोल है और ये डेंड्राइट का है, डेंड्राइट के एक पोल से आगे फिर मल्टीपल डेंड्राइट्स निकल रहे हैं और फिर डेंड्राइटिक स्पाइंस हैं, ठीक है। और ये आपके कहां होते हैं ज्यादातर, ये रेटिना के अंदर, इनर ईयर और ऑल्फैक्टरी एरिया के अंदर, ये होता है बाइपोलर। यूनिपोलर यानी कि एक ही प्रोसेस है, ये इसकी बॉडी है, इसके अंदर से एक ही प्रोसेस निकल रहा है और उस प्रोसेस से फर्दर फिर एक्सोन और डेंड्राइट्स निकल रहे हैं।
और ये यूनिपोलर जो होता है ये ऑलवेज सेंसरी होता है. एमक्यू है कि कौन सा न्यूरॉन विच इज विच फंक्शन इज ऑलवेज सेंसरी, तो वो आपका यूनिपोलर न्यूरॉन होगा जी. तो ये जो अंडरलाइन बेटा तीनों चीजें हुई हुई हैं ये एमसीक्यू हैं, और स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन आपको इस डायग्राम से क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी. और सर इसके डेंड्राइट को डेंड्रॉन कहेंगे ना? किसके डेंड्राइट को? यूनिपोलर वाले को. यस सर, डेंड्रॉन कह दो. ठीक है जी, इसमें कोई प्रॉब्लम अब आ गया. ये दोबारा वही दिखाया गया बाइपोलर और यूनिपोलर. ये बाइपोलर दिखाया गया है, ठीक है, सेल बॉडी से एक्सोन निकल रहा है और ये यहाँ पे एक पोल निकल रहा है इससे एक्सोन और फिर आगे फर्दर डेंड्राइट्स निकल रहे हैं. ठीक है जी, ये डायरेक्शन ऑफ इंपल्स है, ये आपका एक्सोन है जिसकी ऑलवेज कंडक्ट इंपल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी. ठीक है, ये इसका एक कोलेटरल दिखाया हुआ है. फंक्शनल क्लासिफिकेशन, फंक्शनल क्लासिफिकेशन में आपके आ जाता है सेंसरी मोटर और इंटर न्यूरॉन जिसको एसोसिएटेड न्यूरॉन कहते हैं. सेंसरी न्यूरॉन या उसको एफरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं बेटा, जो मैसेज आपका सेंसरी रिसेप्टर से ब्रेन की तरफ मैसेज लेके जा रहा है. मोटर न्यूरॉन और एफरेंट न्यूरॉन वो जो आपका इंपल्स जो है वो मसल तक सीएनएस से मसल तक मैसेज लेके आ रहा है, यानी कि सीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तक मैसेज आ रहा है. और एसोसिएटेड जो कनेक्ट कर रहा है सेंसरी को मोटर के साथ और जो इंटरप्रेट कर रहा है इंफॉर्मेशन. ठीक है, 90% ऑफ न्यूरॉन इन द बॉडी एक्सक्लूसिव सीएनएस. ठीक है, ये न्यूरॉन मोस्टली सीएनएस के अंदर होते हैं. कौन से न्यूरॉन सिर्फ और सिर्फ सीएनएस के अंदर होते हैं? ये एमसीक्यू है, जो पेरिफेरल में नहीं होते. तो वो आपके जो है वो इंटर न्यूरॉन एसोसिएटेड न्यूरॉन है. इस तरह के ही एमसीक्यू आएंगे. ये उनको दिखाया हुआ रिसेप्टर से मैसेज आया. एफरेंट न्यूरॉन या जिस सेंसरी न्यूरॉन है मैसेज आपका ब्रेन तक लेके जा रहा है या स्पाइनल कॉर्ड तक, वहां इंटर न्यूरॉन ने इंटरप्रिटेशन की और मैसेज वापस आपका मोटर न्यूरॉन या एफरेंट न्यूरॉन इफेक्टर ऑर्गन्स तक लेके आ रहा है. ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ एक्सोन, गोल्जी टाइप 1 और गोल्जी टाइप 2. गोल्जी टाइप 1 आर लॉन्ग एक्सोन, इनकी सेल बॉडी सीएनएस के अंदर होती है और एक्सोन रीच द रिमोट पेरिफेरल एरियाज. लॉन्ग टाइप, ये जो गोल्जी टाइप 2 है ये शॉर्ट एक्सोन्स होते हैं और शॉर्ट एक्सोन्स हमेशा वो स्पाइनल कॉर्ड और सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर ही ये खत्म हो जाते हैं, वहीं पे ये होते हैं. ठीक है, इनका शॉर्ट एक्सोन होता है. लॉन्ग एक्सोन जो होते हैं वो पेरिफेरल एरियाज तक आते हैं, ये गोल्जी टाइप 1 और गोल्जी टाइप 2. ये दोबारा ये स्लाइड के सीएनएस एफरेंट डिवीजन मैसेज लेके जा रहा है और इफरेंट डिवीजन से मैसेज वापस आ रहा है. ठीक है जी, जो शुरू में मैं आपको स्लाइड दिखाई, आज का यहां तक काफी है. फिर हम इंशाल्लाह कल करेंगे न्यूरल ट्रांसपोर्ट. यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? हमने 23 स्लाइड्स पढ़ ली, इनको एक दफा बीच में बेटा डायग्राम्स हैं. ठीक है, और ये जो डायग्राम है जस्ट आपने स्ट्रक्चर करना है, इनकी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है आपको. वो इसलिए कि ये आपने दोबारा पढ़ना है सीएनएस डिटेल में आपका है पूरा सेंसरी सिस्टम, उसमें आपने इनकी चीजों की डिटेल पढ़नी है. ठीक है, यहाँ पे जस्ट आपने इसको टच करना था, जो ये काफी है आपके लिए स्लाइड्स जो है. सर बाइपोलर का एक दफा बता. बाइपोलर बेटा सेल बॉडी से दो पोल निकल रहे हैं बस, वो पोलर है और आगे उन पोल से मल्टीपल भी चीजें निकल सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल एक डेंड्राइट निकला है, आगे उससे मल्टीपल डेंड्राइट निकल रहे हैं. एक्सोन एक निकल रहा है, ठीक है, उससे आगे कोलेटरल भी निकल सकते हैं, लेकिन सेल बॉडी सिर्फ दो ही पोल निकल रहे हैं. सर नेजल ग्रेन यूज का भी बता दें प्लीज. जी सर नेजल ग्रेन यूज का भी बता दें प्लीज. नेजल ग्रेन यूज या नेजल बॉडीज का मैंने आपको ये बताया बेटा कि ये बेसिकली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहते हैं. जैसे सेल्स के अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, सेम फंक्शन इनका निसल ग्रेन्यूल्स का वही फंक्शन है. वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ही निसल ग्रेन्यूल्स कहते हैं आप न्यूरॉन के अंदर. सर ये हर न्यूरॉन में होते हैं, सिर्फ एक्सॉन में नहीं होते, मतलब एक्सॉन पार्ट में नहीं होते, बाकी डेंड्राइट्स होंगे. हां एक्सॉन में नहीं होते और एक्सॉन डिपेंड कर रहा होता है प्रोटीन के लिए सेल बॉडी के ऊपर. सेल बॉडी में भी होते हैं और डेंड्राइट्स में भी होते हैं. डेंड्राइट्स में भी होते हैं. ओके सर थैंक यू. ये मैं अभी यूनिपोलर यूनिपोलर सेल बॉडी बेटा एक पोल निकलेगा बस,
उस पोल से आगे कौन सा मतलब मल्टीपल डेंड्राइट्स भी निकल सकते हैं, जो भी निकलेगा सेल बॉडी से एक पोल निकलेगा यूनिपोलर, दो पोल निकलेंगे बाइपोलर, सेल बॉडी से मल्टीपल पोल निकलेंगे तो मल्टीपोलर। ओके सर, थैंक यू, शुक्रिया बच्चों। मैं ये ऐड करेगा, ये जो इनिशियल ग्रैन्यूल्स हैं ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सर, ये स्लाइड्स भी ग्रुप में है।